गाइस, मैं हूं अनुपमा और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम ऑरा एस्ट्रोलॉजी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोर्ट केसेस के बारे में। कहते हैं कि मुकदमेबाजी का ये सिलसिला किसी चक्रव्यूह से कम नहीं, बुरा वक्त इसे लेके आता है और अच्छा वक्त इसे लेके जाए, ये इंतज़ार इंतज़ार बन के रह जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि कोर्ट केसेस का ये सिलसिला, मुकदमेबाजी का ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहता है और ताउम्र लोग इंतज़ार करते हैं कि वक्त आए जब उन्हें फैसला मिले, उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और कई लोग तो ये कभी समझ ही नहीं पाते कि क्यों हर बार बेवजह वो कोर्ट केसेस के इन चक्रों में फंसते जाते हैं। क्या ऑरा इससे आपकी मदद कर सकता है? क्या ऑरा एस्ट्रोलॉजी आपके कोर्ट केसेस में कुछ डिफरेंस ला सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, तो जवाब भी ढूंढेंगे। और जवाब के लिए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें इस विषय में महारत हासिल है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं ऑरा एस्ट्रोलॉजर गुरु सुशील श्री जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आपको भी मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि गुरु जी ने एक ऐसी पद्धति का आविष्कार किया है जहाँ पे ऑरा और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इस हद तक बढ़ा दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी तरह की जो समस्या है, किसी भी तरह की, फिर चाहे कोर्ट केसेस हों, चाहे फैमिली की हों, चाहे पर्सनल लाइफ की हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे बीमारी कुछ भी हो, आप उससे निजात पा सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पे हमें कॉल करना है और कॉल करके आप सीधे गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से हमें कॉल कीजिए। गुरु जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, कोर्ट केसेस। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा लगता है कि पनौती लेके कहते हैं ना पैदा हुए हैं कि वो कुछ भी करते हैं उस पे केस हो जाता है, कभी उनका चालान हो जाता है, ज़िंदगी भर कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं। तो इसमें ऑरा एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करता है या उनकी हेल्प कैसे कर सकता है? मेरा जो अपने रिसर्च में मैंने देखा है जी, ऐसे लोगों की लाइफ में वाइब बर्थ से वो लेके एनर्जी लेके आए, ऐसी एनर्जी लेके आए होते हैं। कारण क्या है कि वो ग्रे कलर की एनर्जी, एक तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है ऐसे लोगों का, और क्रूर टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऑरा में मैंने देखा है रेड कलर की एनर्जी या ब्राउन कलर की एनर्जी या ग्रे कलर की एनर्जी का आपस में कुछ कम्बिनेशन टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे लोग एक केस से हटेंगे दूसरे में उलझ जाएंगे, दूसरे से उलझेंगे, एक से सुलझेंगे तो तीसरे में उलझ जाएंगे, तो यह बड़ी परेशानी रहती है। ऐसे लोगों को चक्रों में भी ऐसे लोगों का बहुत मेजर फर्क रहता है। उनकी आधी एनर्जी तो यहाँ रहती है और आधी एनर्जी उनके सोलार चक्रा पे रहती है। कॉन्फिडेंस लेवल बड़े मूडी हो जाते हैं लोग, मूड से काम करना, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। और कोर्ट केसेस से एक और चीज़ हमेशा हम सबके जहन में आती है कि ज़िंदगी भर लड़ते रहो। कई लोग गुरुजी ज़िंदगी भर कोर्ट केसेस लड़ते रहते हैं, ताउम्र वो उन पे, उनके पास डेट पे डेट आती रहती है, तारीख पे तारीख आती रहती है, लेकिन उनको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। कई बार वो लोग नहीं रहते हैं इस दुनिया में और तब भी रिजल्ट नहीं आता है। तो क्या ऑरा एस्ट्रोलॉजी की मदद से उनको सही वक्त पे रिजल्ट मिल सकता है या कोई एक कंक्लूजन पे वो पहुंच सकते हैं कि भैया अभी केस बंद कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं किसी भी तरीके से? इसमें यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, मगर ये पर्सनल लाइफ के हिसाब से चलता है। ऑरा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ऐसे लोगों को उन चीज़ों से हटाया जा सकता है। कुछ जैसे हम लोग एडवाइस देते हैं कि ऑरा लेवल पे आप ये काम करें, कुछ स्पेसिफिक उपाय करवाते हैं, कुछ इनके लिए प्रे करवाई जाती है, कुछ मेडिटेशन इनको बता दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे मेडिटेशन को करना है। एक बार करवाया जाता है, एक या दो बार प्रैक्टिस के तौर पर कराया जाता है, और कई बार तो हम लोग रिकॉर्डिंग वाला भी दे देते हैं कि सिर्फ कान में लगाकर मोबाइल के जरिए भी आप सुन लो, रात को एक बार जरूर सुने। अच्छा। तो कुछ जो एनर्जी है उनकी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, फिर उनके कोर्ट केस कम होने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स कम होने शुरू हो जाएंगे, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, मगर थोड़ा समय जरूर लगता है। अच्छा गुरु जी, हमारे बीच में कॉलर भी है, तो अगर आप इजाजत दें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवीन है जी। हाँ, मैं पठानकोट से हूँ, अभी गुरुजी से बात करना तो चाहती हूँ। परवीन, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, और गुरुजी से आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं?
एक्चुअली मैंने एक साल पहले ना गुरुजी से अपनी ओरा प्रोफाइल बनवाई थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे घर में कुछ घरेलू समस्या थी पति के कारोबार के बारे में, तो मेरा उससे काफी लाभ हुआ मुझे। तो मेरे छोटे भाई भी मतलब जानना चाहते थे, चलो आज मौका मिला गुरुजी से बात करने का, तो अपने भाई के बारे में पूछना है मैंने आज। तो पूछे परवीन जी, क्या पूछना चाहते हैं? आपके भाई का नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग क्या है? मेरे भाई का नाम दिवाकर है। दिवाकर की, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर। हाँ, 22 नवंबर। हाँ जी, 1988। 1988। और टाइमिंग क्या है? रात 9 और 10 के बीच का टाइम है। अच्छा, और क्या समस्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसे तो मेरे भाई की मतलब अभी जॉब में है, लेकिन वो ना उस जॉब को से संतुष्ट नहीं है, चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, तो देख पूछना चाहते हैं कि क्या ये टाइम ठीक रहेगा रिजाइन देने का। अच्छा। हाँ, एक उनकी सेहत के बारे में पूछना है, वो थोड़ी खराब रहती है। जी 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 परवीन जी। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, आशीर्वाद है। परवीन, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके ब्रदर के जो एनर्जी लेवल है वो इनर हो रहा है पिंक कलर का, आउटर हो रहा है इनका रेड कलर का, और अल्फा हो रहा है ब्राउन कलर का। लाइफ में उठापटक तो रहेगी और कोई ना कोई हर्डल तो बना ही रहेगा, और इस समय कुछ एनर्जी इनकी ऑरेंज कलर की हो गई है, ठीक है? तो इनको इन कहिए कि जो काम करना चाहते हैं उस काम को जरूर कर लें, और अभी भी समय है, और जो दिसंबर तक कर लेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, साथ में मैं इतना देख पा रहा हूँ कि नवंबर से थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना है, हर एक व्यक्ति पे ना विश्वास नहीं खाना, खासकर बिजनेस में नुकसान आ सकता है, तो पहले जांच परख लें। अगर कोई पार्टनर भी बनाए तो उसको भी, उसके भी एक बार टेस्ट ले लें कि भाई धोखा ना दे बाद में। अगर अभी से संभल के रहेंगे तो बिजनेस में लॉस नहीं होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा है इनके ऊपर। और इनको बोलिएगा कि ब्लू कलर, ब्राउन कलर और ग्रे कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। इनको कहना कि हमेशा पिंक कलर का एक रुमाल अपनी पॉकेट में रखें, रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा रेड, ऑरेंज, पिंक, मर्चेंटा ऐसे कलर, येलो, क्रीम, वाइट, ऑफ वाइट, ऐसे सब कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और किसी भी फीमेल से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपसे झगड़ा तो नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये कह देना कि किसी भी फीमेल से झगड़ा ना हो, खासकर कई बार होता है ना फैमिली मेंबर से झगड़े होने लगते हैं, मदर से, सिस्टर से, बुआ से, मौसी से, कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं, तो वहाँ इनको झगड़ा करना इनके लिए नुकसानदायक है। और इनको ये कहिएगा कि अपने अपने उल्टे हाथ में ऑरेंज कलर का एक धागा बांध लें, ठीक है? रेशमी होना चाहिए ऑरेंज कलर का धागा, वो क्या है कि इनको एनर्जी मिलेगा, और कम से कम 3 महीने के लिए बांधनी है, 3 महीने बाद उतार देना, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आगे ये बूस्ट होते चले जाएंगे अपने आप, ठीक है? यहाँ पर जो मैं इनके ऑरा लेवल पे जो चेक कर रहा हूँ, खासकर जन्म पत्री, तो जन्म पत्री में चंद्र का प्रभाव खराब आ रहा है और शनि भी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। मदर की कैसी तबीयत रहती है? मम्मी की तबीयत खराब ही रहती है, अभी मेडिसिन चलती रहती है उनकी। मेडिसिन तो देखो चलती रहती है ना, तो तबीयत तो खराब रहती है ना, तो इनके आपके ब्रदर के ऑरा की एनर्जी से मदर के ऊपर भी इफेक्ट आया हुआ है। तो एक काम करना, एक बार ब्रदर को कहना, हाँ जी, शुक्रवार के दिन एक नारियल का उतारा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना है उनको। आपके ब्रदर खुद करें अगर कर सकते हो तो। जैसे भाई बाहर रहते हैं तो उनके स्थान पे मम्मी कर सकते हैं? हाँ, मदर कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, मगर मदर को कहना उनकी फोटो के ऊपर से उतारा करेंगे, और ये बोलेंगे कि इसका सारा फल मेरे बेटे को मिले, उनका नाम बोलेंगे, ठीक है? तो उसका असर होना शुरू हो जाएगा। और ब्रदर को जो मैंने कलर बताया वो मना कर देना कि वो कलर यूज ना करें, तो इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ से एक बार ना इनको औषधि स्नान मंगवा लेना, जो कि बिजनेस में कहीं लॉस आ रहा हो या नया बिजनेस करने जा रहे हो, उन लोगों के लिए हम लोग भेजते हैं कि लक्ष्मी औषधि स्नान, और इनको कम से कम 3 महीने तक यूज करना चाहिए। आप उनको कोरियर भी करवा सकते हैं, आपके यहाँ भेज दिया जाएगा, या जब भी आपके ब्रदर आए तो वो साथ ले जा सकते हैं, ठीक है? 3 महीने स्नान करेंगे
तो फिर जिस भी बिजनेस में हाथ डालेंगे उसमें कहीं रुकावट नहीं मिलेगी। आप ये करवाइएगा, लाभ पूरा मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी जी, आशीर्वाद है। थैंक यू प्रवीण जी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय बाय बाय। तो दर्शकों, प्रवीण जी की तरह यू ऑल कैन कॉल इन और आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपकी वो क्या समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, वो कौन सा विषय है जिसके बारे में आप गुरु जी से मार्गदर्शन चाहते हैं, या फिर आप अपनी ऑरा प्लस फाइल मंगाना चाहते हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप सोचिए आपको क्या करना है। बस इतना सा कि आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमें कॉल करना है, तो कॉल राइट अवे। गुरुजी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपने भाई के लिए अभी बात कर रही थी कि उनको नौकरी मिल जाए ये वो, और आजकल एक आम बात हो गई है जो कोर्ट कचहरी की, वो है भाइयों में जो लड़ाई होती है, भाई भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और बात को लेकर। जी जी जी। तो क्या किसी भी तरीके से ऑरा की मदद से ये कोर्ट कचहरी का चक्कर रोका जा सकता है? हाँ, ये रोका जा सकता है। इसमें मैं छोटा सा उपाय बता देता हूँ, लोग करके भी देख सकते हैं। सभी, कोई भी कर सकते हैं? हाँ, ये सभी करके देख सकते हैं, एक बार तो ट्राई करना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इनको कोई पवित्र नदी जैसे यमुना गंगा ऐसे नदी में जाना है, वहाँ पर जो बहती हुई धारा है उसके खड़े होकर धारा जहाँ आ रही है उस धारा साथ में ले जाना है, सफ़ेद चंदन उस धारा में खड़े होना है, जहाँ पर जितना डीप आप खड़े हो सकते हैं, और सफ़ेद चंदन आगे की तरफ डालना ताकि वो बहकर आपकी तरफ आए। क्योंकि जब आप वहाँ पर खड़े होकर स्नान करेंगे तो ऑरा को बहुत तेज़ी से क्लीन करता है, क्योंकि नदी का बहाव तेज होता है तो नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ऑरा को साफ करता है, और पानी की खासियत होती है नेगेटिविटी को सक कर लेता है, अपने भीतर ले लेता है। इसलिए उपाय जो बहते पानी के करवाते हैं ना अक्सर लोग, तो नेगेटिविटी को उतारने के लिए करवाते हैं, पानी सक कर लेता है। तो जब आप खुद ही नहाने लगेंगे तो आपके चक्रों पर ऑरा पर बहुत अच्छा असर आएगा। और सफ़ेद चंदन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सफ़ेद चंदन के अंदर की खासियत है, एक तो कूलनेस देगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा रहता है, टेंशन बनी रहती है, तो जब चंदन को डालेंगे ऐसे बिखेरेंगे और वापस आपके शरीर से टकरा कर आगे निकलेगा, तो आपके शरीर की जो और एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा महीने में एक बार करके देखें, ऐसा तीन बार करना चाहिए। तीन बार करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट पहली बार से ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप करके देखें, देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, फिर आप हो जाता है। गुरु जी, हमारे बीच एक और कॉलर हैं, अगर आप इजाजत दें। हेलो। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, वेलकम टू ऑरा एस्ट्रोलॉजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मीनाक्षी, बताइए कि गुरु जी से आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, तो मीनाक्षी जी, प्लीज अपने बेटे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग हमें बताइए। बेटे का नाम कपिल सिंगल है। और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग है उसकी 1979। ओके। 30 जुलाई। 30 जुलाई। और 10:05 PPM। तो क्या समस्या है आपके बेटे की? मेरे बेटे की समस्या ये है कि वो इतना काम करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, मेहनत भी करता है, तो जहाँ भी जाता है उसका काम मतलब इतना हो नहीं पाता, और तो मैं चाहती हूँ कि उसका कोई परमानेंट काम हो जाए। तो तुम कहीं प्लॉट लिए हुए हैं तो वो बिके नहीं रहे हैं, जी, पैसा जी, आ जाए, तो बस कोई परमानेंट काम चाहती हूँ कि उसका सेटिंग हो जाए। जी जी, आइए देखते हैं गुरु जी क्या उपाय बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके जो बेटे का इनर ऑरा है वो ब्राउन कलर का, आउटर हो रहा है रेड कलर का, और अल्फा हो रहा है ब्लू कलर का। यहाँ पर जो उनकी लाइफ में हर्डल आ रहे हैं इनर ऑरा के कारण आ रहे हैं, इनर और साथ में अल्फा, ये दोनों की कम्बिनेशन वैसे भी ख़राब है। तो आउटर के हिसाब से देखा जाए तो इनके अंदर अग्नि तत्व की एनर्जी ज़्यादा है, और ब्लू कलर की एनर्जी उसे ठंडा कर रही है, और साथ ही साथ ब्लॉकेज वाली एनर्जी ब्राउन कलर की एनर्जी उस पर साइड इफेक्ट डाल रही है। यहाँ पर इस समय अगर चाहते हैं कि इस समय इनको बेनिफिट हो, पिंक कलर की एनर्जी आ चुकी है। अब इनको यहाँ पर मैं कहूँगा कि आजकल ये लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करें, खासकर विशेष रूप में, और शनिवार के दिन अलसी का तेल आता है विशेष रूप से, एक होता है सरसों का तेल, एक होता है अलसी का तेल। सरसों का तेल होता है पीला, मगर और गहरा पीला होता है अलसी का तेल। इसका दीपक जलाना है इनको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के टाइम 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले नहीं, अंधेरा होने पर ही जलाना है। और एक दिया इनको अपने बेडरूम में जलाना है, वो मात्र 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से ज्यादा ना जले, ठीक है। और इनको ये कहिएगा कि ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, नीले नहीं पहनने हैं,
और पिता से संबंध भी अच्छा रखना है, और साथ ही साथ इनको ग्रे कलर और वायलेट कलर भी यूज नहीं करना है। इनके बेडरूम में रेड कलर का बल्ब एक लगवा दीजिएगा, 0 वाट का बल्ब को जरूर जला दें, एक फिक्स टाइम में 9 से 9:30 टाइम याद रखिएगा। उस समय जो इनके रूम की बेडरूम की एनर्जी है वो ठीक होने लगेगी, और जो आप जोत जलाएंगे वो 8 बजे जलानी है 10 मिनट के लिए। तो वो जो अलसी का तेल है वो नेगेटिविटी को रिमूव करेगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वो बल्ब जलने से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में हमारे यहाँ से आप लक्ष्मी आगमन औषधि स्नान मंगवा लीजिएगा। लक्ष्मी आगमन औषधि स्नान का ये बेनिफिट है कि जो क्योंकि इनको देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम ही फलेगा आने वाले समय में, रियल स्टेट में, बिल्डर में, ऐसे जमीन से जुड़े हर काम में इनको बेनिफिट मिलेगा। तो इनकी ऑरा की एनर्जी ना बैलेंस हो जाएगी और मूलाधार चक्र अच्छा होकर इनको रिजल्ट दे देगा। क्योंकि पैसे में तो इनको मिलना ही है, जीवन में कमाना है, मगर हर चीज में थोड़ा इनको लाइफ में जब भी कुछ मिलेगा समय लगाकर मिलेगा। हाँ, तो ये उपाय करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। वो कब तक हो जाएगा ये देखिएगा कि अब ये एनर्जी अभी बनी है, अगस्त के बाद से वो जनरेट हो रही है पूरी तरह से, दिसंबर में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। दिसंबर तक उपाय करते हैं और औषधि स्नान मंगवा लें तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं, या ऑरा एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, या इस विधा को यूज करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर हमें कॉल करना है। तो गुरुजी, इससे पहले आपसे विदा लें, टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे में मैं आज बताना चाहूंगा कि कहीं हम लोग नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, जी जी, उनकी किसी की भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना करे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को हमेशा क्रॉस कर दें, इससे आपका ऑरा जो है लॉक हो जाता है, तो कोई भी तंत्र मंत्र नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करती। अगर आप जमीन पर बैठे हैं, चौकड़ी लगाकर बैठे हैं, तब वो क्रॉस नहीं माना जाता, तब अपने हाथ को ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा अपनी नाभि के पास। नाभि के पास करने से क्या कि जब भी कोई नेगेटिव असर छोड़ा जाता है तो नाभि पे सबसे पहले अटैक किया जाता है, तो इससे क्या कि आपका नाभि भी सेफ हो गया, और साथ में ऐसे हाथ क्रॉस करके रखने से आपका हाथ भी लॉक हो गया। एक साथ ही साथ मैं बता दूं, कई बार हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं होते, कई बार चौराहे से निकल जाते हैं, तो हम वहां पर अपनी फर्स्ट टू फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके रख सकते हैं, इससे क्या है हमारा ऑरा लॉक हो जाता है, नेगेटिविटी हमारे ऑरा में नहीं आ पाती और हम लोग सेफ रहते हैं। ओ, अब मुझे समझ आया, वो बचपन में कुछ भी ऐसे गड़बड़ होती थी तो हमें ऐसे करना क्यों सिखाया गया था, तो हम ऐसे करते थे। सी, हम कितनी चीजें करते गुरुजी जिनका अर्थ हमें नहीं पता, या पीछे का क्या फलसफा है हमें नहीं पता, तो हमारे बीच आने के लिए, हर रोज हमें नए फलसफों से मिलाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुरुजी। सो ऑल यू लवली पीपल, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप शो के बाद कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमें फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं, या फिर आप ऑरा प्लस फाइल मंगाना चाहते हैं, या फिर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके का मार्गदर्शन चाहते हैं, आपको बस इतना करना है कि हमें कॉन्टैक्ट करना है, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा पता है। ऑरा प्लस फाइल में आपको मिलते हैं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के उपाय, साथ ही इस समय चल रही समस्याओं के उपाय, चक्रों और ग्रहों की जानकारी, 5 सालों की, 60 महीनों की और 1 साल की प्रतिदिन की प्रेडिक्शन, साथ ही राजयोग और कष्ट योग की संपूर्ण जानकारी। इतना ही नहीं, ऑरा प्लस फाइल के साथ आपको मिलता है अपने ऑरा कलर के अनुसार क्वार्ट्ज लॉकेट बिल्कुल फ्री। इस यूनिक ऑरा प्लस फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको भेजना है सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए, हमारे नंबर्स हैं 01 4562 2222 0981 751 745। हमारी ईमेल आईडी है aurayog@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.auraastrology.com। पॉजिटिविटी विश्वास को मजबूत करती है, और विश्वास हर मुश्किल में आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। समझेंगे इस विश्वास को और ऑरा एस्ट्रोलॉजी को और भी करीब से अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए आप करिए हमारा इंतजार और रखिए अपना ख्याल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।